मतलब आपने एंजल्स फाउंडेशन की स्थापना की है, क्या कहना चाहोगे और किस तरह से मालोली की विकास करने की जो रणनीति आपने पहले से बना के रखी है क्या कहना चाहोगे? नमस्ते, मैं साइस्ता लाकड़ावाला स्टार एंजल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और आज हमारा ओपनिंग हुआ है मालवानी 3 नंबर में। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मालवानी के अंदर मेरा ये संस्था स्थापने का मतलब ये है कि मालवानी का विकास। मालवानी में बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और करते भी होंगे, ऑफकोर्स अच्छी रीत से करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं, ट्रैफिक समस्या ले लो या घरेलू कोई भी प्रॉब्लम ले लो, घरेलू समस्या ले लो। माननीय श्री असलम शेख साहेब जी आज आए थे, हमारी ऑफिस का ओपनिंग उसी ने किया था और मैं असलम जी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे थोड़ा एक बोझ ऐसा दे दीजिए कि मैं अच्छे से उसको निभा पाऊँ। काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, मालवानी का नाम सुन के मैंने देखा है कि मालवानी को लोग अच्छी रीत से नहीं समझ रहे और अच्छा उनको जानते भी नहीं है। कोई बहन बेटियां हैं, रात को अगर ऑटो में आने से डर रही है, कोई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मालवानी में बहुत सारे चोर लोग घूम रहे, पॉकेट मार लोग घूम रहे, अमीर लोग घूम रहे, गरीब लोग, कुछ मालवानी को कुछ अजीब सा लोग समझ रहे हैं। उस चीज़ को जो दिमाग में लोगों का जो भरा हुआ फितूर हमको निकालना है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को सपोर्ट लोग अगर देंगे तो मैं एक सक्रिय अच्छी रीत से मेहनत से मैं ये काम करूँगी। और घर घर के अंदर जाके मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। ना मुझे किसी से कोई उम्मीद है, ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ये मैं अपने बलबूते पे अपने आप से ये काम कर रही हूँ। मेरे साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको मैंने अपील की है। आज मालवानी को ही मैं अच्छा बनाना चाहती हूँ। यहाँ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, गटर की प्रॉब्लम्स ले लो, कचरे की प्रॉब्लम्स ले लो, ट्रैफिक प्रॉब्लम ले लो, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर यही काम करना चाहती हूँ और मालवानी के लिए ही काम करूँगी मैं। लोगों को आपके संस्था से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? पहली बात तो मैंने अक्सर देखा है कि मेंबर के कुछ पेमेंट लेते हैं, मेंबरशिप की फ़ीस होती है, मैंने देखा है कोई 250-500 जो भी लेते होंगे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे NGO में जो लोग जुड़ेंगे उनको फ्री मैं कोई चार्जेस नहीं करूँगी और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे इनकी कोई भी प्रॉब्लम मैं फ़ौरन उनकी प्रॉब्लम पे एक्शन लूँगी।